दोस्तों 500 जॉब्स में आपका स्वागत है। आज हम 9 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में BCCI के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड। यूपी के किस जेल में खाने को हाल ही में FSSAI की 5-स्टार रेटिंग मिली है? तो इसका सही आंसर है फरुखाबाद। यूपी के फरुखाबाद ज़िले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के खाने की बहुत चर्चा हो रही है। इस जेल में 1100 से भी अधिक कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की क्वालिटी ऐसी है कि इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI से 5-स्टार की रेटिंग मिली है। आगे देखते हैं, हाल ही में सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है चीन। चीन सांस के माध्यम से कोरोना की नीडल फ्री वैक्सीन AdvaxCov को आपात मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन को तियानजिन स्थित कैंसिनो बायोलॉजिक्स इंक द्वारा बनाया गया है। इस वैक्सीन को सूंघकर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है युआन और रेनमिनबी, चीन के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुजीब छात्रवृत्ति का ऐलान किया है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद। आप बांग्लादेश को मैप में देख सकते हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुधुमाई पेन योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पुधुमाई पेन योजना शुरू की है। तमिलनाडु को आप मैप में देख सकते हैं। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK Stalin और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN Ravi। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति मुर्मू ने हाल ही में जस्टिस M Duraiswamy को किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस M Duraiswamy। आगे देखते हैं, हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है महेश V. अय्यर। महानगर गैस लिमिटेड ने महेश V. अय्यर को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। हाल ही में किस संस्था के द्वारा ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप 2022-23 जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर है खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में कहाँ मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है बेंगलुरु। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है। कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। आगे देखते हैं, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर है 7 सितंबर। महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे यानी राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को ही टीचर्स डे मनाया जाता है और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया गया और 7 सितंबर को स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया गया। आगे देखते हैं, किस राज्य की पुनमुदा झील में हाल ही में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ है? तो इसका सही आंसर है केरल। केरल की पुनमुदा झील में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन हुआ है। केरल को आप मैप में देख सकते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं
पिनराई विजयन केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सुएला ब्रेवमैन किस देश की नई गृह सचिव बनी है? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। सुएला ब्रेवमैन ब्रिटेन की नई गृह सचिव बनी है। आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस योजना के तहत 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना के अनुसार, पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के तौर पर विकसित किया जाएगा। पीएम श्री योजना जून 2022 में शुरू की गई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।